साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा सीजीआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया, तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की, वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है, सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए, लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, आज पूरी दुनिया में
नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी ज्यूडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी के मार्गदर्शन में ज्यूडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ ज्यूडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है, और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं। लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है,
नए सपने देख रहा है तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे, हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो।